तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास TVS कंपनी का अपाचे RTR और ये BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है। और यहाँ पे देखिए इस बाइक का हम फ्रंट व्हील को रन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम फ्रंट व्हील को रन कर रहे हैं तो डिस्क से घिसघिस घिसघिस का साउंड आ रहा है, डिस्क से बहुत ज़्यादा काफ़ी साउंड आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है। और इस बाइक में ABS ब्रेक लगा हुआ है, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ताकि जैसे हम इस ब्रेक को दबाते हैं ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का जो चांसेज है बिल्कुल नहीं रहता है, एक्सीडेंट होने का कोई चांसेज नहीं रह जाता है। ABS ब्रेक में यही अभी मुझे देखने को मिला कि एक्सीडेंट होने का बिल्कुल चांसेज नहीं रहता है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है ताकि डिस्क से साउंड नहीं आए। आप देख रहे हैं कितना घिस घिस का साउंड आ रहा है। इसके लिए आपको डिस्क कैलिबर है इसको खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो है सो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं दो बोल्ट, इस पर एक स्क्रू ड्राइवर का मैंने इसके ऊपर जो प्लेट जैसा लगा है, दोनों प्लेट को हम खोल करके बाहर निकाल लेंगे। डिस्क कैलिबर को खोलने से पहले 5 mm का एल्के रिंच लेना है। इसके अंदर आपको दो बोल्ट मिल जाएगा, इस दोनों बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है। हम दोनों बोल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। इस दोनों 12 mm का जो बोल्ट लगा है उसमें 12 mm का रिंग स्पिनर से दोनों बोल्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्पिनर का नहीं, अभी मैं मशीन का यूज, दोनों बोल्ट मेरा खोज करके बाहर आया। उस डिस्क कैलिपर को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क का जो पैड है, डिस्क शू है, आप देखिए किस तरह से घिस गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं घिस करके इसका जो मटेरियल रहता है टोटल घिस करके साइड हो गया। इससे क्या होगा, इतना अगर डिस्क से साउंड आएगा घिस जाएगा। ये डिस्क का जो प्लेट लगा है, ये प्लेट भी खराब हो जाएगा, तब आपको बजट थोड़ा बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क पैड का क्या कंडीशन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो डिस्क पैड में, डिस्क शू में जो लोहा जो लगा है, यहाँ पे लोहा से टच कर रहा था डिस्क प्लेट, जैसे हम डिस्क को दबाते थे, इसके प्रॉब्लम से डिस्क से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। डिस्क कैलिपर में जो लगा है बकेट, ये अगर जाम रहेगा तो भी आपका बाइक का डिस्क पैड बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। ये अभी प्रॉपर सही है, ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है, देख रहे हैं ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। इसको बाहर निकाल लेना है। और ये दोनों जो पिस्टन देख रहे हैं, इस दोनों पिस्टन को आपको इस एडजस्टर प्लास की मदद से, इसको हम लोग नॉर्मली गैस प्लास भी बोलते हैं, एडजस्टर प्लास भी बोलते हैं, इसके मदद से आपको इस दोनों पिस्टन को दबाना है। अगर ये पिस्टन नहीं दब रहा है उसके बाद क्या करना है, इसको दोनों पिस्टन को खोल करके बाहर निकाल लेना है। डिस्क का जो कैलिवर है इसको अच्छा से क्लीन करना है। चलिए हम इसको दबा करके चेकअप करेंगे, दब गया तो सही, नहीं तो इसको खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसको अच्छा से वॉश करना पड़ेगा। चलिए हम इसके मदद से इसको आस्ते आस्ते दबा रहे हैं। देखिए ये बहुत इजी में दब रहा है, प्रॉपर ये अंदर जा रहा है। अगर ये थोड़ा अंदर जाने के बाद रुक जाता है उस टाइम आपको क्या करना है, 11 mm का रिंग स्पिनर लेकर ये जो एयर स्क्रू है इसको थोड़ा ढीला कर देना है, ताकि इसके अंदर जो वेस्ट ऑयल होगा वो बाहर आ जाएगा। चलिए हम एक पिस्टन तो दब गया, दूसरा पिस्टन को हम यहाँ पे दबा रहे हैं। इसके अंदर जो भी ऑयल था वो टोटल ऑयल जो है सो इस पाइप की मदद से क्या हो गया कि यहाँ से चला गया ABS मोटर में, फिर वहाँ से जो भी ऑयल था वो टोटल आ गया यहाँ पे। डिस्क का जो मास्टर सिलेंडर किट लगा है, इस मास्टर सिलेंडर के पास आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल जो है सो प्रॉपर इसके अंदर मास्टर सिलेंडर के भर गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे हम ग्रीस का यूज करेंगे इस तरह से, ताकि स्मूथ हो जाए, प्रॉपर वर्क करें। इस तरह से थोड़ा ग्रीस का यूज करना है और इसके अंदर प्रॉपर डाल देना है इसे, ठीक है। प्रॉपर सेटिंग हो गया। अब आपको देखिए नया डिस्क पैड है, TVS का जो अपाचे RTR बाइक है, इसमें आपको CVZ एक्सट्रीम बाइक का फ्रंट वाला डिस्क पैड फिट हो जाएगा। अगर आप लोगों को जेन्युइन डिस्क पैड मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप CVZ एक्सट्रीम बाइक का आप लोकल डिस्क पैड भी फिट करवा सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बाइक में। मैं यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कंपनी का डिस्क पैड है, मैं यही डिस्क पैड यूज करता हूँ, क्योंकि जेन्युइन डिस्क पैड जो बहुत ही ज़्यादा बजट है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क पैड का, आप देखिए यहाँ पे
नया वाला जिस पर देखिए किस किस तरह से इसका मटेरियल है, कितना मटेरियल अभी इतना मटेरियल है, और ये पुराना वाला डिस्क पर देखिए घिस करके कैसा हो गया था। इसके प्रॉब्लम्स क्या हो रहा था कि बाइक में डिस्क से घिस 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 का जो साउंड आ रहा था। चलिए हम डिस्क पैड को फिट कर लेते हैं। ये जो डिस्क पैड है इसको डाल देना है इसके ऊपर इस तरह से, फिर आपको इस तरफ से इस दोनों बल्ब को आपको डाल देना है। उसके बाद एक जो डिस्क पैड है इसको यहाँ पे सेटिंग करना है, इसका जो घाचा है इसको यहाँ पे सेटिंग करना है, इसमें इस तरह से चिपका के रखना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क पैड को इसके अंदर फिट कर लेंगे डिस्क को। पांच नंबर एलके वाले उस दोनों बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे आस्ते आस्ते से। तो उसको जो बटन जैसा मिल रहा है इसका जो कवर है इस कवर को हम टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। यहाँ पे करेंगे यहाँ से डिस्क का जो लेवर जो है इसको दबा करके डिस्क को हम टाइट कर लेंगे। इसे तीन चार बार आपको पुश करना है, ऑटोमेटिक डिस्क जो है तो टाइट हो जाएगा। देखिए टाइट हो गया। जब ये डिस्क टाइट हो जाए उसके बाद आपको ABS जो भी बाइक में डिस्क ब्रेक लगा है उस बाइक में एयर निकालने का सबसे आसान तरीका हम बतला रहे हैं, आप इसी तरह से एयर निकालिएगा। क्या करना है, इस वाले कवर को खोल करके बाहर निकाल लेना है, इस वाले कवर एयर बॉल का जो कवर है, ताकि जो भी एयर निकालने में ऑयल जो बाहर आएगा टोटल इस बॉटल के अंदर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जो ऑयल गिरेगा तो यहाँ पे इसका जो डिस्क कलर कर देगा। चलिए हम इसमें देखिए पहले 11-10 mm का रिंग स्पिनर प्रॉपर फिट हो रहा है, स्पिनर को फिट कर लेना है, फिर उसके बाद इस पाइप को इसके अंदर फिट कर देना है। इस तरह से आपको सेटिंग कर लेना है। ये जो डिस्क लीवर है इसको दबा करके रखना है इस तरह से, और ये जो एयर वाले बोल्ट है इसको ढीला करना है। देखिए डिस्क लीवर इसके अंदर चिपक गया, इसको ऐसे ही रहने देना है, फिर इस बोल्ट को टाइट कर लेना है, फिर इसको 2-3 बार इस तरह से आगे पीछे करना है, फिर इसको दबा करके रखना और इस बोल्ट को ढीला करना है। एयर जो था इसके अंदर प्रॉपर बाहर निकल गया। अब हम इस पाइप को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। इस व्हील को रन कर रहा है, साउंड भी बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए डिस्क मेरा जो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से डिस्क से साउंड आ रहा है, आप एक बार डिस्क पैड को चेकअप करें। अगर यहाँ से एयर निकालने के बाद इसके अंदर ऑयल कम हो रहा है, ऑयल कम गया है, इस दोनों बोल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर डिस ऑयल जो है जो ब्रेक ऑयल है उसको डाल देना है, ताकि इसके अंदर ऑयल कम नहीं रहना चाहिए। अगर ऑयल कम रहेगा तो आपका डिस्क का जो लीवर है बकेट है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, फिर आपका बाइक का डिस्क काम नहीं करेगा।